नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इस फल का नुस्खा सब नुस्खों पर भारी है, हजार बीमारियों का काल है ये फल। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो आपके 20 साल पुराने गैस को भी खत्म कर सकता है, आपके सिर दर्द को चुटकियों में खत्म कर सकता है, कितनी भी पुरानी जुकाम हो उसे खत्म कर सकता है, आपके शरीर में कहीं भी झुर्रियां हो उसे खत्म कर सकता है, आपकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल को खत्म कर सकता है, और कम से कम 100 ऐसे रोग हैं जिनको जड़ से खत्म कर सकता है। जी हाँ, ये आपके रसोई में मिलता है। इसे रसोई का मसाला जायफल कहते हैं। जायफल आयुर्वेद के लिहाज से वात, पित्त और कफ का नाशक बताया गया है। तो आइए जानते हैं जायफल के फायदों के बारे में। अमाशय के लिए उत्तेजक होने से अमाशय में पाचक रस बढ़ता है जिससे भूख लगती है, आंतों में पहुंचकर वहां से गैस हटाता है। सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच जायफल चाटने से गैस्ट्रिक सर्दी खांसी की समस्या नहीं सताती है। पेट में दर्द होने पर 4 से 5 बूंद जायफल का तेल चीनी के साथ लेने से आराम मिलता है। जायफल, सौंठ और जीरे को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को भोजन करने से पहले पानी के साथ लें। गैस और आफरा की समस्या नहीं रहेगी। अगर आपके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो बस जायफल को पानी में घिसकर ले लीजिए। जायफल को पानी में घिसकर दर्द वाली जगह पर लगा लीजिए। जायफल बहुत ही सस्ता मिलता है, आप इसे दुकान से लाकर अपनी सिर दर्द की समस्या को 2 मिनट में रफूचक्कर कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में दुष्प्रभाव से बचने के लिए जायफल को थोड़ा सा खुरचिए, चुटकी भर कतरन को मुंह में रखकर चूसते रहिए। ये काम आप पूरे जाड़े भर 1 या 2 दिन के अंतराल पर करते रहिए। ये शरीर की स्वाभाविक गर्मी की रक्षा करता है, इसलिए ठंड के मौसम में इसे जरूर प्रयोग करना चाहिए। आपको किन्हीं कारणों से भूख ना लग रही हो तो चुटकी भर जायफल की कतरन चूसिए, इससे पाचक रसों की वृद्धि होती है और भूख बढ़ती है, भोजन भी अच्छे तरीके से पचने लगती है। दस्त आ रहे हो या पेट में दर्द हो रहा हो तो जायफल को भून लीजिए और उसके 4 हिस्से कर लीजिए। 1 हिस्सा मरीज को चूसकर खाने को कह दीजिए, सुबह शाम 1-1 हिस्सा खिलाइए। आप देखेंगे कि 2 ही दिन में आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फटी एड़ियों के लिए इसे महीन पीसकर बिवाइयों में भर दीजिए, 12 से 15 दिन में ही पैर भर जाएंगे। जायफल के चूर्ण को शहद के साथ खाने से हृदय मजबूत होता है और पेट भी ठीक रहता है। जायफल और काली मिर्च और लाल चंदन को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है और मुहासे खत्म हो जाते हैं। किसी को अगर बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो उसे जायफल और सफेद मूसली 2-2 ग्राम की मात्रा में मिलाकर पानी से निगलवा दीजिए। दिन में 1 बार खाली पेट 10 दिन लगातार, ऐसा करने से बहुत ही आराम मिलेगा। बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए तो जायफल का चूर्ण और सौंठ का चूर्ण बराबर मात्रा में लीजिए, फिर 3 चुटकी इस मिश्रण को गाय के घी में मिलाकर बच्चे को सुबह शाम चटाएं। आप देखेंगे कि बच्चे को बिल्कुल सर्दी जुकाम नहीं बचा है। चेहरे की झुर्रियां मिटाने के लिए आप जायफल को पीसकर उसका लेप बनाकर झुर्रियों पर 1 महीने तक लगाएंगे तो आपको जल्द ही झुर्रियों से निजात मिलेगी। आंखों के नीचे काले घेरे हटाने के लिए रात को सोते समय रोजाना जायफल का लेप लगाएं और सूखने पर इसे धो लें। कुछ समय बाद काले घेरे हट जाएंगे। अनिद्रा का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और इसका त्वचा पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। त्वचा को तरोताजा रखने के लिए भी जायफल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपको रोजाना जायफल का लेप अपनी त्वचा पर लगाना होगा। इससे अनिद्रा की शिकायत भी दूर होगी और त्वचा भी तरोताजा रहेगी। कई बार त्वचा पर कुछ चोट के निशान रह जाते हैं तो कई बार त्वचा पर नील और इसी तरह के घाव पड़ जाते हैं। जायफल में सरसों का तेल मिलाकर मालिश करें। जहां भी आपकी त्वचा पर पुराने निशान हैं, रोजाना मालिश से कुछ ही समय में वे हल्के होने लगेंगे। जायफल से मालिश से रक्त का संचार भी होगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती भी बनी रहेगी। पेट में दर्द हो तो जायफल के तेल की 2-3 बूंदे 1 बताशी में टपकाएं और खा लें, जल्द ही आराम मिल जाएगा। जायफल को पानी में पकाकर उस पानी से गरारे करें, मुंह के छाले ठीक होंगे, गले की सूजन भी चली जाती है। जायफल को कच्चे दूध में घिसकर चेहरे पर सुबह और रात में लगाएं, मुहासे ठीक हो जाएंगे और चेहरा निखरेगा। शिशु का दूध छुड़ाकर ऊपर का दूध पिलाने पर यदि दूध पचता ना हो तो दूध में आधा पानी मिलाकर
इसमें एक जायफल डालकर उबालें। इस दूध को थोड़ा ठंडा करके गुनगुना गर्म चम्मच कटोरे से शिशु को पिलाएं। ये दूध शिशु को हजम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।